गाइस व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने आईफोन को कस्टमाइज कैसे कर पाएंगे। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि एप्पल ने अभी iOS 14 लॉन्च किया है और उसका एक मेन फीचर है विजेट्स। लेकिन ये वाला फीचर सैमसंग में बहुत सालों से था, लेकिन उससे किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता था। कुछ लोग यूज़ भी नहीं करते थे, कुछ लोग करते थे तो बस गूगल वाला लगा कर रखते थे या फिर वर्ल्ड क्लॉक लगा कर रख देते थे। लेकिन जब से ये फीचर एप्पल में आया है, तब से लोग अपने आईफोन को विजेट से भर रहे हैं। लेकिन जो एप्पल के स्टॉक ऐप्स हैं, जैसे कि क्लॉक हो गया, वेदर हो गया, ये आपको एक पर्टिकुलर एक ही थीम प्रोवाइड करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐप्स के बारे में बताऊंगा जिससे आप उन विजेट्स को कस्टमाइज कर पाएंगे, और तो और iOS 14 के कुछ मजेदार फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, हमारा जो सबसे पहला ऐप है लिस्ट में, वो है टाइम पेज। टाइम पेज एक ऐसा ऐप है जिससे आप अपने कैलेंडर को कस्टमाइज कर सकते हैं। अब इस ऐप में मैंने अपने जीमेल अकाउंट से साइन इन किया है, तो मेरे जीमेल अकाउंट में जितने भी मेरे शेड्यूल्स हैं वो इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुके हैं। अगर आपको यहाँ का थीम चेंज करना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इस तीन डैश पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे थीम्स में जाना होगा। इससे आप यहाँ के कलर्स जो है वो चेंज कर सकते हैं। मेरा जो मेन थीम कलर है वो है ब्लैक, लेकिन यहाँ पर जो टेक्स्ट के और एरोज के बाकी सारे के कलर है वो मैंने नियॉन ब्लू रखा हुआ है। सो गाइस, यहाँ पर आप अक्टूबर 2020 देख सकते। सो गाइस, मैंने जो वहाँ पर नियॉन ब्लू कलर चूज़ किया हुआ था वो आपको दिख रहा है यहाँ पर अक्टूबर 2020 उसी कलर में लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको इस इवेंट्स के बाजू में जो ब्लू कलर है उसे चेंज करना है, तो आपको इस तीन डैश पर क्लिक करना होगा। उसके बाद यहाँ पर प्रेफरेंसेस में जाकर, उसके बाद आपको कैलेंडर्स में जाना है, और उसके बाद आपको सेटअप कैलेंडर्स में जाना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं जो मेरा ईमेल एड्रेस है वो लिखा हुआ है, और यहाँ पर जो कलर है वो भी वहाँ पर बताया गया है। तो आप उस कलर पर क्लिक करके किसी भी कलर में आप उसे चेंज कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल वाइट चूज़ कर लेता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा वाइट जो है वो चूज़ हो चुका है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने भी शेड्यूल के आगे जो लाइंस ड्रॉ हुई हैं वो वाइट कलर की हो गई है। और अगर आपको इसका विजेट इंस्टॉल करना होगा, तो सबसे पहले आपको विजेट वाले सेक्शन में जाना होगा, और वहाँ पर जाकर टाइम पेज सर्च करना होगा। टाइम पेज, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप अलग अलग जो थीम है वो यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर वेदर का भी थीम है, और ये सब थीम है तो मैंने ऑलरेडी चूज़ कर रखा है एक। तो ये रहा मेरे होम स्क्रीन पर, ये जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी जो वाइट कलर चूज़ किया वो है, और ये जो ब्लैक कलर है वो मेरे थीम में ऑलरेडी है। सो गाइस, लिस्ट में हमारा जो नेक्स्ट ऐप है वो है कलर विजेट्स। कलर विजेट्स एक ऐसा ऐप है जिससे आप अपने टाइम को, मतलब अपने क्लॉक को कस्टमाइज कर पाएंगे। इससे आप बहुत सारे कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, और तो और अपना कस्टम फोटो भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अपना कस्टम फोटो कैसे लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने थीम पर जाना है, और वहाँ पर जाकर ये जो नीचे ऐड फोटो का ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करना है, और आपके जितने भी फोटोज़ हैं वो आप जो भी फोटो आप चूज़ करना चाहते हैं उससे आप कर सकते। और तो और यहाँ पर जैसे कि ये वीक डेज का जो लेबल है वो उससे भी चेंज सकते हैं। यहाँ पर संडे लिखा हुआ है तो इसका फॉन्ट मैं चेंज कर सकता हूँ, ये देख सकते हैं आप। और उसका कलर जो है वो भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो फिलहाल मैंने ग्रीन रखा हुआ था तो मैं वही रहने दूंगा। और बस उसके बाद आपको सेट विजेट्स पर क्लिक करना है, और उसके बाद रिप्लेस विजेट पर विजेट वन पर क्लिक करना है। तो ये जो आपका थीम है वो सेट हो चुका है। उसके बाद मेरा तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, लेकिन अगर आपको ये वाला इंस्टॉल करना है तो सबसे पहले आपको होम स्क्रीन पर टच करके रखना पड़ेगा, और उसके बाद प्लस पर क्लिक करना होगा, और उसके बाद यहाँ पर कलर विजेट सर्च करना होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आ गए, और इसमें से जो भी आपको चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं। मैंने ये जो छोटा वाला है वो रखा हुआ है, क्योंकि बड़ा वाला बहुत जगह घेरता है। सो गाइस, हमारा जो तीसरा ऐप लिस्ट में है वो है विजेट स्मिथ। इस ऐप से आप अपने जो भी कस्टम विजेट्स है वो खुद बना सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको यहाँ पर ऐड स्मॉल विजेट, मतलब मुझे स्मॉल विजेट ऐड करना है। आप यहाँ पर मीडियम या फिर लार्ज भी कर सकते हैं। मैंने ऐड स्मॉल विजेट पर क्लिक किया, और जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्मॉल हैश 6 जो मेरा विजेट है वो बन के आ चुका है। मुझे बस यहाँ पर उस विजेट पर क्लिक करना है, और उसके बाद उस विजेट पर वापस एक बार क्लिक करना है। और उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे स्टाइल्स दिए हुए, टाइम के हैं, डेट के हैं, कस्टम आप मतलब अपना फ़ोटो लगा सकते हैं, या फिर कस्टम टेक्स्ट लगा सकते हैं, या फिर ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। बैटरी का है, कैलेंडर का है, रिमाइंडर्स का है, वेदर का है, हेल्थ एंड एक्टिविटी का है, टाइड्स का है, और एस्ट्रोनॉमी का भी है। तो मैंने फिलहाल जो दो यूज़ करके रखे हैं वो है मेरा हेल्थ एंड एक्टिविटी का, और दूसरा एक रखा है वो है मेरा जो कस्टम टेक्स्ट यहाँ पर मैंने रखा हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा एक तो मेरा जो आज का स्टेप्स में कितने स्टेप्स चला हूँ वो यहाँ पर दिखा हुआ है, और मेरा जो खुद का कस्टम लेवल है वो यहाँ पर मैंने किया हुआ है। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप इसे कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो इसमें से पहले मैं कोई एक चूज़ कर लेता हूँ, कि मैंने ये नहीं अक्टूबर 11 वाला चूज़ कर लिया, संडे 11 वाला कर लेता हूँ। और फॉन्ट यहाँ पर आप बहुत सारे चेंज कर सकते हैं, आपको फॉन्ट्स की स्टाइल मिल जाती है। तो मैं फॉन्ट्स इसमें से ये जो चॉक डस्टर है वो कर लेता हूँ, और उसके बाद टिंट कलर भी आप चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट के कलर चेंज कर सकते हैं। तो मैं इसमें ये येलो ले लेता हूँ, उसके बाद बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ,
इसमें ब्लैक जो है हमारा वही अच्छा लग रहा है, और बॉर्डर कलर में ये मैं वाइट तो नहीं इतना अच्छा लग रहा, कोई बात नहीं फिर भी वाइट ही ले लेता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर बैक पर जाना है और यहाँ पर सेव पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि जो होम स्क्रीन का बटन है उस पर क्लिक करके रखना है, और उसके बाद प्लस पर क्लिक करना है, और उसके बाद आपको नीचे जाकर ढूंढना है या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं विजेट स्मिथ, तो ये रहा मेरा लास्ट में दिया हुआ है। और इसके बाद आपको ऐड विजेट पर क्लिक करना है, तो गाइस जैसे कि आपको देख सकते हैं यहाँ पर एक दूसरा विजेट आ गया, लेकिन उसके बाद आप इस पर क्लिक करके एडिट विजेट पर जाना है, और वहाँ पर ये विजेट स्मॉल हैशटैग 5 चूज़ किया हुआ है, तो उसकी जगह आपको 6 कर देना है, क्योंकि हमारा जो विजेट का नाम था वो हैशटैग 6 था। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि येलो कलर वाला मेरा जो विजेट है वो यहाँ पर आ चुका है, और आप इसे कस्टमाइज़ करके और भी एडिट कर सकते हैं, लेकिन मेरा ये जो है वो ठीक है, लेकिन मैं फ़िलहाल इसे रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक कैलेंडर और क्लॉक वाला ऐड करके रखा हुआ है। सो गाइस लिस्ट में हमारा जो फोर्थ ऐप है वो है बैटरी विजेट। इस ऐप से आप अपने फ़ोन में बैटरी का विजेट रख सकते हैं, स्क्रीन ब्राइटनेस का रख सकते हैं, स्टोरेज का रख सकते हैं, मेमोरी का रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो है वो चारों को इंक्लूड करता है वो वाला रखा हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 88% बैटरी का मेरा जो दिया हुआ है यहाँ पर, ब्राइटनेस 63% है, स्टोरेज 65% है, और मेमोरी 75% है। इसका आपको जो मिल जाएगा, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ज़्यादा कलर चाहिए तो यहाँ पर ये पेड वर्जन, तो आप इसको पे करना पड़ेगा, जो कि मैं तो नहीं करूँगा क्योंकि फालतू के कलर के लिए कौन करेगा, ये जो ब्लैक है वही ठीक है। और आप अपने फ़ोन के लिए 4 अलग अलग भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो है वो ज़्यादा स्पेस घेरता है। मैंने सिर्फ ये 2 रखा हुआ था, स्टोरेज और मेमोरी रखा हुआ था, लेकिन फिर मैंने ये चारों को इंक्लूड कर लिया। तो ऐसे आप कर सकते हैं। और ये जो डिवाइस कनेक्शन वाईफाई चालू है, सेलुलर चालू है, ऑन ऑफ करने के लिए आप इसे भी ऐड कर सकते हैं। तो गाइस iOS 14 के नए फीचर्स के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और ये जितने भी ऐप्स जिनके बारे में आपको बताया उनकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ पर जाके उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं मेरे अगले यूट्यूब वीडियो, तक के लिए गुड बाय।